युवक किशोर शर्मा जी, अबकी बार, अबकी बार, अबकी बार, अबकी बार। जय हिंद। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू के शहीदी चौक के पास हम इस समय मौजूद हैं और आपको बताने चले कि जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से जो है वो आज बीजेपी से एमपी जुगल किशोर शर्मा जी इस समय जो है वो नॉमिनेशन फिल करने के लिए यहां पर जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि एक बड़ी रैली जो है वो इस समय यहां पर निकाली गई है, जिसमें रविंदर राणा जी की बात करें या फिर मोदी छा गया, मोदी जुगल किशोर शर्मा जी छा गया, जुगल किशोर शर्मा आ गया, मोदी छा गया, मोदी जुगल किशोर शर्मा जी। तो जनाब आप लोग भी जरूर बताइएगा कि इस बार की इलेक्शंस में आप जो है वो किसको सपोर्ट करने वाले हैं। एक तरफ कांग्रेस से रमन भल्ला जी और दूसरी तरफ बीजेपी से जुगल किशोर शर्मा जी। जम्मू से इस समय की शहीदी चौक से तस्वीरें रविंदर राणा जी का जोश देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार कितना पार जो है वो हो सकता है। लगातार एक बड़ी रैली इस समय जो है वो जम्मू में यहाँ पर निकाली जा रही है। रविंदर राणा जी क्या कहना चाहेंगे आज, जिस तरह से बड़ा जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबरदस्त जोश, जुनून, जलवा, ये बीजेपी का जलवा है। अब की बार कितनी बार? 400 के पार। एक तरफ रमन भल्ला जी भी वहाँ से, रमन भल्ला आगे चलो ना लेडीज, रमन भल्ला जी भी मैदान में उतरे, क्या कहना चाहेंगे? कोई कुछ नहीं, सिर्फ चौधरी लाल सिंह जी भी मैदान में, सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। देख सकते हैं कि जनाब रविंदर राणा जी का साफ ये कहना है कि अब की बार सिर्फ जो है वो बीजेपी चलेगी और भी लोगों से बात करेंगे। लेकिन इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ी रैली जो है वो आज जम्मू में यहाँ पर निकाली गई है। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो वो जो है वो आने वाले हैं, लेकिन आज जुगल किशोर शर्मा जी इस समय जो है वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है फिल करने के लिए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, एक बार नहीं बार बार, और 400 बार। हम क्या जी, क्या कहना चाहेंगे? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो जुगल किशोर जी आज नामांकन पेपर भरने जा रहे हैं एमपी का, ये फुल मेजॉरिटी से जीतेंगे, आगे से भी ज्यादा वोट लेकर जीते, क्योंकि इन्होंने पहाड़ियों का, एसटीओ का और ओबीसी का जो इन्होंने काम किया है, हम दिल से मोदी सरकार का, जुगल किशोर जी का और युधवीर सेठी का, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका बहुत थैंक्स करते हैं, और रैना साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये फुल मेजॉरिटी से जीतेंगे, आगे से भी ज्यादा लीड लेकर जीतेंगे। पिछले बीजेपी 2014 से भाजपा सरकार आई, 10 सालों में जो काम हुआ है पूरा पलट के रख दिया है। चाहे प्रदेश की बात हो, देश की बात हो, मोदी जी पहला नंबर पे हैं और छागे हैं। चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, सेहतमंद की बात हो, गरीब किसानों की बात हो, हर जगह पे सरकार पहला नंबर पे है, लोगों का काम हो रहा है, जन जन तक जो है मोदी सरकार की स्कीमें पहुंच रही है। इससे ऐसा लगता है कि आज नहीं, ये जो है 2047 तक हमारा एजेंडा तय है और भाजपा सरकार ही रहेगी। बार बार आप देख सकते हैं कि हर किसी ने इसमें हम पर ढोल देखने को मिलता और ढोल नगाड़ों के साथ इस समय जो है वो जुगल किशोर शर्मा जी की जो है वो एक बड़ी रैली जो है वो जम्मू से यहां पर निकाली गई है और डीसी ऑफिस की ओर वहां पर रवाना हुई है। वहां पर जाकर आज जुगल किशोर शर्मा जी अब वहां पर जो है वो नॉमिनेशन जो है अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो आप जनता अपने सुधार जोड़ दीजिएगा कि आपकी बार क्या रमन भल्ला जी जो है वो मैदान में, वहां पर लोग जो है वो रमन भल्ला जी को मैदान में उतारेंगे, रमन भल्ला जी को पसंद करेंगे या फिर जो है वो जुगल किशोर शर्मा जी को पसंद करेंगे। तो जरूर बताएं कि आप जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।